यूसीसी जो कानून है, अगर वो कानून लागू करने से पहले आप एक शिक्षा लागू कीजिए, एक चिकित्सा लागू कीजिए, तब जाके ना होगा समानता का अधिकार। एक साजिश के तहत इन लोगों को लड़ा कर और हमारा हम आदिवासी समाज को समाप्त करना इनका मंसूबा है। जो कानून आया है एकदम काला कानून है। विदेशी देश को बुला रहे हैं लेकिन अपने ही घर में अपनी माँ बेटी को रक्षा नहीं दे पा रहे हैं। बलात्कार हो रहा है, सरेआम कत्ल आम हो रहा है। जो हमारे मणिपुर में माँ बहनों के साथ जो घटना हो रहा है, क्या वो आपकी माँ बहन नहीं है? क्या वो आपकी माँ बहन नहीं है? अगर आपके माँ बहन के साथ वैसा हो रहा है तो आप इस पर बोल क्यों नहीं रहे? आप डर रहे हैं। आदिवासी समाज को मिटा कर और आदिवासी का जो 65% जमीन है उसको हड़प कर आदिवासी का हक अधिकार को मारा जाए। हम लोग गुलाम नहीं बनेंगे और ना बनने वाले हैं। 2024 में ईंट का जवाब पत्थर से ना दिए तो हमारा नाम भी कन्हैया कुमार। वो नौकरी के नाम पर जुमला, वो किसी उनसे कुछ काम नहीं। इतना घटिया प्रधान, इस देश को अगर बचाना चाहते हैं तो अपना इस्तीफा दें। अरे हम भी लिख के दे रहे हैं 2024 में आपका कहानी खत्म। आप तो पहले ही बोले थे मोदी जी हमर क्या, हम तो फकीर आदमी झोला लेंगे चल दिए। अरे आपके पास झोला भी नहीं रहेगा, आप चल दीजिए, एकदम ऐसे चल दीजिए। और 2024 में अंगूठा से बटन नहीं, मुक्का से बटन दबाकर और आपकी सरकार को उखाड़ पटने का। नमस्कार, मैं हूं नूर जहां और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। और यहां पे आप देख सकते हैं कि भारी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं जो कि कह रहे हैं, जो यूसी का विरोध कर रहे हैं। और जिस तरीके से मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जो निर्वस्त्र करके उनको घुमाया गया है उसको लेकर भी ये लोग विरोध कर रहे हैं कि ये रोका जाए। और उसी को लेकर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तीन सारे लोग मौजूद हैं, तो उन्हीं को लेकर हम बातचीत करेंगे जो कोलकाता से आए हैं। तो आप यहाँ पर किस ये जो चल रहे धरना यहाँ, एक्चुअली यहाँ यूसीसी फॉरेस्ट राइट कंजर्वेशन के ऊपर चल रहे हैं, इसके बारे में हम लोग धरना देने आए हैं इधर, क्योंकि जब से सरकार आया है तब से आदिवासी के ऊपर हमला एक के बाद करते जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूसीसी के बात करते हैं, जिसमें कि आदिवासी का अलग अलग तौर तरीका होता है, मैरिज सिस्टम होता है, प्रॉपर्टी के बात होता है, इंडिजिनस राइट के होता है, उसके उल्लंघन करते हैं। इसमें एक देश में एक नीति कभी भी नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग आए इधर धरना देने के लिए। उसके बाद साथ फॉरेस्ट राइट कंजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो उसका भी बहुत सारा इम्पैक्ट है, क्योंकि ये आदिवासी के डेवलपमेंट के नाम पर, लेकिन डेवलपमेंट आदिवासी का कुछ हो ही नहीं रहा है। इसमें क्या होता है कि जो कॉरपोरेट है, जैसे कि अदानी अंबानी है, उन लोग आके माइनिंग के ऊपर उन लोग का नज़र है कि जितना भी माइनिंग है वो आदिवासी जहाँ पर रहता है वहाँ पर है, तो उस माइनिंग को लेने के लिए सब बिल को लागू कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो ये सरकार है ये आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है? एकदम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। जो यूसीसी है उसमें तो ये है ना कि सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के साथ जो कानून बनाया गया सबके साथ समान रहे, तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, कभी समान नहीं हो सकते, हर व्यक्ति जैसे समान नहीं है, तो हर के लिए अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि ट्राइबल का अगर सब एक है तो ट्राइबल बल के उसका जो अपना आइडेंटिटी है वो नहीं रह पाएगा। जैसे कि उसका कल्चर है, उसका है अपना मैरिज सिस्टम, प्रॉपर्टी के जाते है, ये है एक्चुअली ट्राइबल लोगों का लैंड के ऊपर उन लोगों का यह है नजर है, जहाँ से उन लोग लैंड को ले सकते हैं। इसलिए तो ये वन संरक्षण लागू करा है, उसमें तो यही है ना कि वनों को बचाएंगे, तो उसके ऊपर आप? नहीं मैडम, से पहले भी आदिवासी लोग जमीन में था, जंगल में था, लेकिन तब वन में कुछ नहीं हुआ है। अचानक से इन लोगों को क्या हुआ, वन संरक्षण करना पड़ेगा? आदिवासी जहाँ जहाँ पे है वहाँ वन संरक्षण है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है संरक्षण के लिए। जो मणिपुर में जो घटना हुई है महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, तो अभी तक ये स्थिति थमी नहीं है? सॉरी मैडम, सुनाई नहीं रहा। जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है तो अभी भी स्थिति कैसी है मणिपुर की? मुझे ना इतना अच्छे से जानकारी नहीं है, मैं आपको इस बारे में बोल नहीं सकता। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हम लोग ट्राइबल्स की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, यूसीसी जो कानून है, अगर वो कानून लागू करने से पहले आप एक शिक्षा लागू कीजिए, एक चिकित्सा लागू कीजिए, तब जाकर होगा। मान लीजिए कि सरकारी डॉक्टर के बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी शिक्षक के बच्चा सरकारी, MP MLA विधायक के बच्चा सरकारी,
सरकारी स्कूल में पढ़े, जो जितने भी डॉक्टर चिकित्सक हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराए, तब जाके ना होगा समानता का अधिकार। यूसीसी का मतलब हुआ आदिवासी मुक्त भारत, वो आदिवासी को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, आदिवासियों को लड़ा कर और उनके जमीन को हड़पना चाहते हैं। तो सुन लीजिए मोदी जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जवाब देता हूँ, 2024 में आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, अगर नहीं फेंके तो हम भी एक आदिवासी नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारे मणिपुर में माँ बहनों के साथ जो घटना हो रहा है, क्या वो आपकी माँ बहन नहीं है? क्या वो आपकी माँ बहन नहीं है? अगर आपके माँ बहन के साथ वैसा हो रहा है तो आप इस पर बोल क्यों नहीं रहे? आप डर रहे हैं कि दोस्त नाराज ना हो जाए, आप सिर्फ दोस्त को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग गुलाम नहीं बनेंगे और ना बनने वाले हैं। 2024 में ईंट का जवाब पत्थर से ना दिए तो हमारा नाम भी कन्हैया कुमार। पर अमित शाह कह रहे हैं ना कि लिख के ले लो 2024 में भाजपा ही। अरे हम भी लिख के दे रहे हैं 2024 में आपका कहानी खत्म। आप तो पहले ही बोले थे मोदी जी हमारे क्या, हम तो फकीर आदमी झोला लेंगे चल दिए। अरे आपके पास झोला भी नहीं रहेगा, आप चल दीजिए एकदम ऐसे चल दीजिए, नहीं तो आप 2024 में एक एक आदिवासी के लड़के को पढ़नी थी, सिर्फ 30 दिन का टाइम दीजिए आपके सिस्टम को, सरकार को बढ़िया से ना चला दिए तो मेरा नाम भी कन्हैया कुमार नहीं। आपने जो आदिवासी महिलाओं के साथ, आदिवासी समाज के साथ, कुकी समाज के साथ जो आपने अत्याचार कर रहे हैं और करा रहे हैं, वो लोग हम लोग याद रख रहे हैं, हम लोग याद रखेंगे। और 2024 में अंगूठा से बटन नहीं, मुट्ठा से बटन दबाकर और आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। लेकिन मणिपुर में जो स्थिति थी वो तो 4 मई की घटना थी ना, जो महिलाओं को निर्वस्त्र करे, तो अभी भी तक स्थिति अभी भी स्थिति सुधरा नहीं है। अभी देखिए 88 पेज का जो आपने पढ़िएगा रिपोर्ट, उसमें समझ में आ जाएगा कि हमारे जो आदिवासी समाज है उनको किस तरह प्लान करके और उनको दंगा कराकर उनको पूरा उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं मोदी जी। पर लेकिन मोदी जी तो सब लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आवास योजना चलाई है उन्होंने, घर दे रहे हैं। रोजगार आपको मिला है? आपको रोजगार मिला है? आप बताइए ना। रोजगार के नाम पर वो और रोजगार, अब 4 साल वाला देख लीजिए, 4 साल वाला योजना लेकर लड़के सब तैयारी कर रहे हैं, 4 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे? अरे 4 साल के में आप 1 साल का मौका दीजिए आपको, आपके सरकार को नहीं हमारे युवा साथी उखाड़ कर फेंक दिए तो हमारा भी नाम कन्हैया कुमार है। वो नौकरी के नाम पर जुमला, वो किसी उनसे कुछ काम नहीं, इतना घटिया प्रधान। इस देश को अगर बचाना चाहते हैं तो अपना इस्तीफा दे, बात सही है, अपना देश को बचाना। महिलाओं के ऊपर इतना काम कर रहे हैं G20 के माध्यम से, जो विदेशी देश से उनके साथ अच्छे संबंध कर लिए हैं, विदेशी देश को बुला रहे हैं लेकिन अपने ही घर में अपनी माँ बेटी को रक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, सरेआम कत्ल आम हो रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है उन्होंने? कुछ नहीं आरक्षण नहीं है, वो आरक्षण के नाम पर लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक राज्य में, राज्य की राजधानी में हम लोग जो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनहित आवाज, क्या जनहित में आवाज उठता है? क्या यदि उठता है तो मैं बोलता हूँ, क्योंकि जितना भी चैनल है सब मोदी जी का चैनल है जी। मेरा नाम रमेश कुमार गोंड हूँ, मैं बिहार सीवान से हूँ, सारण पंडमल्ला दरामदा प्रखंड मरासरा पंचायत बैदापुर बिशुनपुरा मेरा गांव हुआ। मैं तीसरी बार श्री जंतर मंतर पर आया हूँ और मैं तब तक आता रहूँगा जब तक हमारे माँ बहन और बेटियों पर अत्याचार होते रहेगा। मैं इस जंतर मंतर पर आता रहूँगा और अपना हक अधिकार हम लोग लेकर रहेंगे, क्योंकि हम अपना अधिकार मांगते, हम किसी से नहीं भीख मांगते। क्योंकि सर धरती का दो ही भाग है, एक यूरेशिया है, एक गोंडवाना लैंड है। गोंड से गोंडवाना लैंड बने जमीन, गोंडों का जमीन, आदिवासियों का जमीन। जिस देश का जमीन आदिवासी का हो वहाँ का मालिक आदिवासी होता है। जहाँ भी कोयला, खनिज, अबरक, मैगनीज जो भी कुछ मिलता है आदिवासी, जहाँ वहीं पर मिलता है आदिवासी के पैर के नीचे ही सब कुछ है। और सरकार का बहुत बड़ा मंसूबा है कि हमारे जल जंगल जमीन को छीन कर अंडानी अंबानी को देकर और उसको ख़त्म करना। इसी साजिश के तहत मणिपुर में हमारे तू कही या मैतई या चाहे नगा, ये सब मेरे आदिवासी समाज के ही भाई हैं। एक साजिश के तहत इन लोगों को लड़ा कर और हमारा हम आदिवासी समाज को समाप्त करना इनका मंसूबा है। जो कानून आया है एकदम काला कानून है। P.R. अम्बेडकर साहब विश्व का नंबर वन संविधान निर्माता विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा V.R. अम्बेडकर ने कहा जे ये अधिकार ये कानून इनका विरोध किए थे और उस कानून को ये सरकार ला रही है। इसलिए हमारे पूरा मैं नहीं
ये पूरे भारत के आदिवासी समाज इसका विरोध में है और सरकार का मंसूबा है जे कैसे इसको लाकर आदिवासी समाज को मिटाकर और आदिवासी का जो 65% जमीन है उसको हड़प कर आदिवासी का हक अधिकार को मारा जाए। लेकिन अब हमारे आदिवासी समाज के लोग चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि जल भी हमारा है, जंगल भी हमारा है, जमीन भी हमारा है। और इस 2024 में इस सरकार को हम लोग विदाई करेंगे, क्योंकि हम लोग वोट दिए थे एक आशा पर। मोदी सरकार बोले थे 2000 रोजगार देंगे, कहाँ गया रोजगार? 15 लाख रुपया आएगा, कहाँ गया? तो ये सरकार हम लोग को खत्म करना चाहती है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, सरकार देश की संचालक है, आदिवासी देश के मालिक है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे लोग जो है मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके हित में उन्होंने कोई काम नहीं करा है। तो आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे जनहित आवाज़।